खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी के मलदैया स्थित होटल हिंदुस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएनजी एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित किया गया था। दरअसल पीएनजी एंटरटेनमेंट ने संत रविदास जी के ऊपर एक फिल्म का निर्माण किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी फिल्म से जुड़ी कई बातों की जानकारी व रिलीज डेट के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि संत रविदास जी के ऊपर बनी यह फिल्म 7 फरवरी 2020 को रिलीज होने वाली है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी गई कि अमर कहानी संत रविदास जी की एक ऐसी कहानी है जो 650 वर्ष पूर्व के पृष्ठभूमि पर आधारित संत रविदास जी के जीवन वृत्तांतों को दर्शाती है। इस पूरी फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड की वादियों में की गई है, लेकिन कहानी बनारस की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है। बताया गया कि 650 वर्ष पूर्व के बनारस को दर्शाना बनारस में आज संभव नहीं है, इसलिए शूटिंग उत्तराखंड गंगा किनारे बसे गांवों में की गई है। कहानी का मुख्य उद्देश्य संत रविदास द्वारा बताए गए इंसानियत का संदेश देती है। संत रविदास के जीवन पे जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं को रिसर्च करके बनाई गई एक फिल्म है। बड़ी अच्छी फिल्म है। मैं समझता हूँ कि अगर हो समय है तो ज़रूर देखिए इस पिक्चर को, और इससे जो सिखाने का संत का प्रयास था उस पर हम अपने जीवन में अमल ला सकें और कुछ सुधार सकें, बस और कुछ नहीं। सर आपकी क्या भूमिका है इसमें? मैं तो एक नेगेटिव भूमिका में हूँ। हेमंत पांडे जी इसमें मुखिया हैं जो नेगेटिव हैं, और उनका राइट हैंड ज्ञानी, जैसा नाम ज्ञानी वैसे ज्ञान उल्टा सीधा उनको देता रहता है। संत रविदास के भक्तों को जो उनको मानने लगे हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको हम लोग तंग करते हैं बस। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संदीप मोहन है और इस फिल्म अमर कहानी रविदास जी की में मैंने मुख्य भूमिका रविदास जी की निभाई है। सर क्या इस मूवी से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये मूवी रविदास जी के जीवन पर आधारित है, जो 650 साल बड़े विलक्षण विभूति काशी में पैदा हुए थे। जात पात भेदभाव ऊंच नीच इन तमाम चीज़ों से हटकर मूल मानव के रूप में हम कैसे अपने आप को देखें और एक दूसरे से रिलेट करें, यही इनका संदेश है। और आज भी यदा कदा गाहे बगाहे आप अक्सर देखते होंगे न्यूज़ चैनल पर, समाचार पत्र में तमाम प्रकार के संघर्षों की कहानी छपी होती है, तो हम उसको कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से निपटाने की, मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। इस फिल्म में एक नायाब तरीका ये सुझाया गया है कि अगर इंसान अपने मूल प्रकृति को पहचान ले, अपने स्वयं की पहचान इंसान के रूप में देखे, न कि फलाने जात फलाने समुदाय के रूप में, तो ये समस्या तो स्वतः ही जड़ से सुलझ जाएगी। यही इस फिल्म का मुख्य संदेश है कि हम इंसान हैं, बाद में हमारा परिचय कुछ और है। सर एक सबसे बड़ी बात, डिटेल में जानकारी तो पोपली जी ने आपको दी है, और मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई आदमी फिल्म के लिए बोल सकता है। और दूसरा संदीप जी, जिन्होंने वो रोल किया, मैंने इसमें, मेरे जीवन में ये है कि मैंने कॉमेडी ज़्यादा की है, ये सीरियस रोल है। पहली बार गांव का मुखिया जो करप्ट आदमी है वो रोल करने का मौका मिला, तो मेरे लिए वो एक नई चीज़ थी, एक्साइटमेंट था कि वो एक पावरफुल आदमी कैसे दूसरे लोगों को नीचा दिखाता है, उस तरह का किरदार करने का मौका। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सामाजिक एकता की बात की गई है इसमें? हाँ, वो है। बेसिकली क्या है कि दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाई वाली बात है। सबक तो हर आदमी अपने अपने तरीके से सीखता है, किस घटना से क्या सीख रहा है वो जाने, क्योंकि एक ही चीज़ के कई मायने होते हैं, एक ही चीज़ के कई अर्थ होते हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एक मुख्य सवाल के जवाब पर फिल्म के मुख्य पात्रों का कहना है कि युवा भी इस फिल्म को अवश्य देखें, क्योंकि आज के पढ़े लिखे युवा मार धाड़, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और लव स्टोरी के साथ साथ ऐतिहासिक और सामाजिक फिल्में ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि संत रविदास जी की इस फिल्म में रविदास जी की मुख्य भूमिका संदीप मोहन ने निभाई है, जिन्होंने एक चर्चित शो महाभारत में अर्जुन की भी भूमिका निभाई थी। वहीं इस फिल्म में हेमंत पांडे भी एक मुख्य भूमिका में आपको नजर आएंगे। वाराणसी से